आज हम बात करेंगे जजिया कर पर। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से शासक जजिया कर से संबंधित रहे हैं, जजिया कर लगाने और जजिया कर माफ करने में। सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और हसन शाह बहमन शाह हसन गंगू पहला शासक था जिसने जजिया माफ किया था। जजिया माफ करने वाला दूसरा शासक जैनुल आबदीन था, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। अकबर ने 1564 में जजिया माफ किया, फिर 1575 में पुनः जजिया लगाया और फिर 1579-80 में जजिया को फिर से समाप्त किया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगाया था। फर्रुख सियर ने 1713 में जजिया को माफ किया और जजिया को अंतिम रूप से समाप्त किया मोहम्मद शाह ने। अब हम जजिया के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जिसके बदले उनके जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा होती थी या वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, गुलाम, साधु, पागल, भिखारी, अपाहिज व आय रहित व्यक्ति जजिया कर से मुक्त थे। भारत में सर्वप्रथम सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसके पहले ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। दिल्ली के ब्राह्मणों ने इसके विरुद्ध भूख हड़ताल की। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। पहले जजिया भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था, बाद में फिरोज तुगलक के समय से यह पृथक रूप से वसूला जाने लगा। बाबर और हुमायूं ने भी जजिया वसूला था। बहमन शाह हसन गंगू जजिया माफ करने वाला पहला मुस्लिम शासक था तथा जैनुल आबदीन दूसरा शासक था। अकबर ने 1564 में जजिया माफ कर दिया था। 1575 में अब्दुल नबी के कहने पर पुनः जजिया लगा दिया, लेकिन कुछ समय बाद 1579-80 में फिर से जजिया समाप्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया लगाया। इसे सतीश चंद्र ने राजनीतिक संकट का सूचक माना है। दक्कन में बिगड़ते हालात की वजह से जजिया की वसूली 1705 तक रोकनी पड़ी थी। फर्रुख सियर ने 1713 में पुनः जजिया समाप्त किया। अंतिम रूप से जजिया 1720 में मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय समाप्त हुआ। जजिया कर की लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार तीन दरें थी। पहली थी 48 दिरहम, दूसरी 24 दिरहम और तीसरी 12 दिरहम। यह लोगों की आय के अनुसार उनसे वसूल की जाती थी। यह था जजिया कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।